तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल डेविल ऑन वेकेशन में। तो हुआ क्या, आप लोगों ने देखा, मैं गांधी जी ने अपने प्यारे प्यारे गांधी जी से मिल लिया हमने, और मिलने के बाद मैं जूनागढ़ के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ से जूनागढ़ 109 किलोमीटर है, करेक्ट 109 किलोमीटर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, रास्ते में एक जगह आएगा जिसका नाम है कुतियाना, और कुतियाना जो जगह है वो जो पांडवों की माँ थी कुंती, उनका घर है कुतियाना। अब कुंतियाना है, कुंतियाना होगा, ये लोगों ने नाम कुतियाना कर दिया होगा, वो कुंतियाना। अभी यहाँ से लिफ्ट लेते हैं, ट्राई करते हैं लिफ्ट का, हिचाई करते हैं और देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाएंगे। भाई एकदम कड़ाके की धूप है और कोई नहीं, अकेले मैं बैठा हूँ और वो दीदी बैठी हूँ, और दोनों लोग जा रहे हैं हिचाइक कर रहे हैं, वो शायद गाड़ी के लिए वेट कर रही हूँ, मैं हिचाइक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। 40 किलोमीटर यहाँ से कुंतियाना, फिर वहाँ से 50-60 किलोमीटर होगा जूनागढ़, तो देखते हैं, शायद कोई जूनागढ़ में मेला भी चल रहा है तो मजा आने वाला है। देखो कितना धूप है। तो दोस्तों फाइनली मुझे एक बाइक पे लिफ्ट मिल गई, हमारे भीखू भाई हैं, उन्होंने हमें लिफ्ट दी है, ये हमारे भीखू भाई हैं, और लिफ्ट मिली हमें 7-8 किलोमीटर के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी दूर पे निकलते, बस आगे निकलते जाओ, क्योंकि अगर एक जगह मैं रुक गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आगे निकलते जाओ जूनागढ़। जैसे जैसे 7-8 किलोमीटर निकल के पास तो कम से कम आएगा जूनागढ़। तो बहुत बहुत शुक्रिया भीखू भाई आपका, गुजरात के लोगों का बहुत हेल्पफुल है गुजरात के लोग। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में आगे की लिफ्ट मिलेगी, अभी तो 7-8 किलोमीटर आगे निकलते हैं, भीखू भाई से बात करता हूँ। मैं टोल नाका है ना, उधर तक आपको छोड़ दूंगा, ओके, वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भीखू भाई। अभी आपने देखा था हमारे प्रताप भैया ने भी यही किया था, जो अभी तो था भीखू भाई हमारे कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारी ऐसे ही हेल्प की थी। बहुत बहुत शुक्रिया भीखू भाई आपका, मिलते हैं भीखू भाई को, मैं बताऊंगा अपनी आईडी, भीखू भाई देखेंगे यूट्यूब वीडियो। तो मतलब छोड़ तो दिया था, लेकिन भीखू भाई ही नहीं, गुजरात के मतलब ज़्यादातर तो लोग जितने भी मिल रहे हैं सब यार बहुत ही ज़्यादा स्वीट मिल रहे हैं, और इन्होंने भी बोला कि चाय पीते, दूसरा चाय दिन का। ये पहले हमारे भैया मिले थे जो कार में जिन्होंने लिफ्ट दी थी वो, और दूसरा हमारे भीखू भाई। तो मतलब अलग ही है यार, गुजरात के लोग अलग ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भीखू भाई आपका, वीडियोस तो देखोगे ना आप मेरे? अरे चौकस भाई, ठंडू पी लो चाय के लिए यार, बस आपके प्यार से मैं पीता नहीं, लेकिन आपके प्यार से बस पी लूंगा, भीखू भाई की वजह से पीना पड़ रहा है। हाँ, जरूर वो तो कर लिया, मैं ये दिखा रहा हूँ गुजरात के लोग कितने बढ़िया है। भीखू भाई मिले, उसके पहले एक और मिले, तो सब लोग बहुत बढ़िया स्वीट है बहुत। मैं काशी का हूँ जी, बता रहा हूँ अपने बनारस के बारे में, कहाँ का हूँ, काशी का, बनारस का। तो हमारे इंडिया में भी कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है सोशियो, मतलब बिना पैसे के मैं प्रमोशन कर रहा हूँ सोशियो का, सोशियो मान लो मुझे पैसे भेज देना, तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है भैया। भीखू भाई कैसा टेस्ट है इसका? बहुत बढ़िया, कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी और थम्सअप से कम नहीं है ये, बहुत अच्छा टेस्ट है, और अपने पोरबंदर में ही बनता है ये, तो बाहर भी इसको जाना चाहिए। हाँ, इसकी बिक्री कैसी है भैया? बिक्री इसको लेते हैं लोग, और टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, मानना पड़ेगा, अपने गुजराती भाई भी कम नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का ही डुप्लीकेट बना दिया। अगर इसको बाहर भेजना हो तो बाहर क्यों नहीं भेजते फिर आप लोग? भावनगर जाता है, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है, अब इसको दूसरे स्टेट में भी जाना चाहिए, काफी अच्छा टेस्ट है। इसका प्राइस क्या है? 15 रुपए एक का, 15 रुपए का एक, बहुत सही है। तो अब अपने रिकू भाई से अलविदा लेते हैं, क्योंकि रिकू भाई जाएंगे इधर और हम जाएंगे इधर, क्योंकि हमें जूनागढ़ जाना है। तो यहाँ से आपने कहाँ बताया था? चौटा चेक पोस्ट से जूनागढ़। तो मेला चल रहा है, देखते हैं, ठीक है, चलता हूँ, याद रखना। थैंक यू आपका, थैंक यू, आपने छोड़ा, बाय।
तो अब भैया से अलविदा लेकर हम निकलते हैं आगे। यहाँ पे मांगते हैं किसी से लिफ्ट, अगर कोई लिफ्ट दे देता है तो बहुत अच्छा, फेयर इनफ, नहीं तो वेट करेंगे और क्या कर सकते हैं। और अपने भैया जा रहे हैं। यहाँ पे अभी मैंने देखा बहुत बहुत प्यारे प्यारे घर हैं, और अभी हमें लिफ्ट दी है मुझे 3 किलोमीटर के लिए। भाई मिलती जाए लिफ्ट आगे बढ़ते तो जूनागढ़ के लिए होगा जो देखा जाए। ये राहुल ने हमें लिफ्ट दी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे हमारे ड्राइवर तभी फेमस होंगे। ये लोग कहाँ किस क्लास में नितिन भैया, मैं वहाँ पे खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा था कि आगे निकल जाऊँगा राहुल के छोड़ने के बाद। तो भैया अपना काम जो करते हैं वो छोड़ करने, मतलब यहाँ पे सूरत से इनका कोई काम होता है तो वहाँ पे ये आए थे अपना सामान ड्रॉप करने के लिए। और इन्होंने मुझे बहुत गजब की चीज़ बताई है, जो हमारे भगवान राम रामायण में आपने सुना था जामवंत, जामवंत का नाम सुना था, उनकी गुफा है यहाँ पे जामवंत गुफा, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो भैया ने अचानक मुझे बताया, मैंने बैग उठाया और निकल पड़ा। अब जाता हूँ, देखता हूँ कैसी गुफा है, क्या सीन है, क्या नहीं है, और फिर बात करता हूँ। नितिन भैया, नितिन भैया आए हमने, इन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई है इन्होंने मुझे। देखते हैं जामवंत जी की गुफा कैसी है, मिलता हूँ आपको गुफा के पास। तो आप लोग देख रहे हो कि मुझे, मैं बैठा हुआ हूँ ऑटो में, और हमें मिले हमारे अनवर भाई। ये रहे अनवर भाई। अनवर भैया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। तो अनवर भाई और मैं अभी जाएंगे जामवंत जी की गुफा में। तो किस्मत देखो, ट्रैवलिंग करने का यही फायदा होता है, मतलब जहां मन करे आपका वहां जाओ, सोलो ट्रैवलिंग का ये फायदा होता है, जहां मन करे वहां जाओ। अभी मुझे जूनागढ़ जाना था, मुझे पता नहीं था कि जो जामवंत जी थे राम जी के साथ रामायण में, जो जामवंत है, तो पता नहीं था हमें। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ढेर सारे उनके शरीर पे बाल होते हैं, वही जामवंत जी जो जिन्होंने श्री हमारे हनुमान जी को वापस से उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, वही जामवंत जी। तो गाइज हुआ क्या कि मैंने परमिशन ले ली है, यहाँ पे मंदिर में अंदर आ गया अनवर भाई के साथ, और मैंने परमिशन ले ली अंदर जाकर रिकॉर्ड करने की। यहाँ पे रिकॉर्ड करना सख्त मना है, मैंने परमिशन ली है उसकी वजह से। पहले मैं बाहर का एक नज़ारा देता हूँ आपको, ये देखो आप, बाहर का नज़ारा मतलब काफ़ी अच्छा है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा अंडर रेटेड है, ये जगह बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी अंडर रेटेड है। अभी नीचे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या सीन है, कैसा नहीं है। मास्क यहाँ लगाना अलाउ हुआ है, ये हमारी गुफा है। ओ वाह ग्रेट, ओ यार गजब गजब यार, काफी काफी पतले पतले रास्ते हैं यार, काफी पतले पतले रास्ते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ ना तो आप तुरंत गिरोगे धड़ाम। अनवर भाई, हाँ हाँ सही बात है ना, तुरंत गिरोगे अगर हल्का सा भी ध्यान हुआ। ये देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है। दीपांशु भाई, मैं तो आपसे भी बड़ा केव में जा। ओ यार ग्रेट, ओ गजब, हाय हाय गजब, महादेव महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। भाई क्या खतरनाक लग रहा है। जी जी जी, शिवलिंग शिवलिंग है। नहीं मैंने परमिशन ली है, ताऊ जी बोला कि वीडियोग्राफी करना मना है, तो मैंने बोला मैंने परमिशन ली, और ये सब आर्टिफिशियल मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, हाँ ये कोई बनाया नहीं गया, बनाया नहीं गया, ये सब ओरिजिनल। ये देखो आप, ये देखो, ये पूरा एक कुआं टाइप है, कितना खतरनाक लग रहा है देखने, बहुत बढ़िया सा। और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिया हुआ है कि वीडियो बनाना मना है। सोचो कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि अनवर भाई की वजह से मुझे परमिशन मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 गजब लग रहा है। ये देखो भारत में बहुत कम ऐसे केव हैं, एक अपने महाराष्ट्र में भी केव है ऐसा, लेकिन है, मंडप जी मानते हैं ये। क्या है ये, नहीं जो यार अंदर, ओए
यहाँ पे ये और नीचे गया हुआ है, ये लग रहा है गुफा है, वो सुरंग है इसमें से नहीं है। हाँ हाँ फिर कुआ कुआ है ये, भगवान यहाँ रहता था तो उसको भी पानी तो पीना चाहिए था ना। यहाँ पे भैया आपकी स्टोरी पता है यहाँ की आपको? नहीं इतना तो नहीं पता, हमारे बुजुर्गों को पता हो। जी जी जी, ओ पैसे और हम झूठा बोल देंगे तो आपको भी लगेगा कि भैया फेंक कर चला गया। मेन क्या है कि अगर आप कभी कोई गलत स्टोरी बताता है ना तो उधर कमेंट में हम गाली सुनते हैं, सामने वालों को वो गाली देने लगते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। बहुत अच्छी सोच है आपकी भैया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हम तो न्यू ही है ना, हम अपने भगवान के बारे में झूठा बोलेंगे तो गलत उद्देश्य जाएगा। और बहुत अच्छी भैया की सोच थी, भैया ने बोला अगर नहीं पता तो नहीं बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो महादेव का मंदिर, इधर चले अंदर। ये गुफा बंद है? बंद है नहीं भैया, खुली है। नहीं नहीं बंद है, देखो। अरे बंद है यार, रास्ता बंद है। ये देखो गुफा काफी खतरनाक लग रही है, मेरा तो जाने का मन कर रहा है। भैया बोल रहे हैं मत जाओ, बंद है आगे से तो नहीं जाएंगे। भैया जो बोल रहे हैं मान लो भाई, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ आए हो आप। बाकी कितना अच्छा लग रहा है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल है, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल मतलब नेचर से बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है इसको। हाँ भैया, नेचर से बना हुआ गुफा ही है, नेचुरल तरीके से। ये देखो वो हमारे जामवंत जी, श्री कृष्ण जी, जामवंत जी, और वो कौन है भैया? राधा जी। एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता, इसमें कुछ लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। काफी बढ़िया लग रहा है, देखो अपने इंडिया में भी ऐसी केव हैं और लोग अनएक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे इसको, तो मैंने आज ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जो इंडिया में बहुत बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं। देख रहे हो हमारे, अगर हम सीधा जाएंगे तो हमारा सर इसमें टकरा जाएगा, इतना मतलब वैसी गुफा है। ये देखो, आओ भैया चलते हैं। कहानी पता है भैया आपको यहाँ की? तो कहानी पता नहीं, वो बापू भगवत पता है। अच्छा, बाहर जो बैठे थे? हाँ, सब पता है इसको। तो मुझे तो ये जहाँ तक लगता है, अभी बाहर चल के उनसे पूछते हैं, अगर हिंदी उनको आती है तो वो हिंदी में बताएंगे कि कहानी क्या है। बाकी मुझे लगता है जो जामवंत जी थे वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते थे, इसलिए इसका नाम जामवंत गुफा है। देखो मौसम कितनी ठंडी आ रही है। हाँ कितना ठंडा है यहाँ, कितनी बाहर कितनी गर्मी हो यहाँ कितना ठंडा है। नीचे मिट्टी एकदम सीत सीत, जो बोलते हैं ना गर्मी, तपती तपती गर्मी में भी आप यहाँ आ जाओगे तो आपको ठंडी लगेगा। तो जाने के लिए मन ही नहीं, करता। देखो ये देखो, गेमरा सब लगा। हाँ इसमें शूट करना अलाउ नहीं है, आप सोच रहे हो कि शूट कर सकते हो, शूट करना अलाउ नहीं है, मैंने परमिशन ली है फिर मुझे शूट करने दिया जा रहा है, नहीं तो आप शूट नहीं कर सकते इसमें आकर। ये देखो यहाँ पे लगा भी है फोटोग्राफी खाने वीडियो शूटिंग, क्या लिखा है डरावनी? अच्छा मना है, जो भी लिखा है मुझे तो डरावनी लग रहा था, लगा मतलब डरावनी लिखा है। देखो क्या यार खतरनाक, चलते हैं ऊपर। सबसे खतरनाक तो इसकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं, सबसे खतरनाक इसकी सीढ़ियां हैं। ये देखो आप, ओए भाई इसकी सीढ़ियां बहुत खतरनाक हैं, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया में यूक्रेन में आप जाओगे, यूक्रेन में एक ऐसी केव है और महाराष्ट्र में एक ऐसी केव है, बाकी बहुत कम जगहों पे ऐसी केव है जो एक्सप्लोर नहीं की गई है, अनएक्सप्लोर्ड केव एक तरह से कह सकते हो आप। ऊपर चढ़ने में सांस फूलने लगी, क्या है इधर? अच्छा अच्छा, और वो घड़ी वाला रूम, घड़ी वाला मतलब समझा नहीं, घड़ी हाथ में पहनते हैं उनका रूम है। और वो बापू का समाधि है, बापू यानी कि रामेश्वर बापू।
अच्छा रामेश्वरम बापू देखते हैं, ये तो हमारे कृष्ण जी हैं। अच्छा इंडिया में एक चीज़ है, मंदिर काफ़ी हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंदिर हैं, भरे पड़े हैं मंदिर जितना आप सोच नहीं सकते। भाई यार ऊपर आने में सांस फूल गई एकदम, क्योंकि एकदम खड़ी चलाई है ना भैया। हाँ ये घड़ी वाला क्या होता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। घड़ी वाला बहुत रूम, बड़ा सा रूम है। अच्छा अच्छा इसमें जो भी मानता मानते ये घड़ी चढ़ाता है, घड़ी वाला रूम। अच्छा कौन सा, ये सामने, ये सामने घड़ी वाला रूम, ये अंदर। अच्छा ये भगवान जी का मंदिर है। तो अनवर भैया बता रहे कि इस रूम में अगर जो भी मान्यता आप मांगोगे, जो भी अपनी मन्नत मांगोगे वो पूरी होती है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है इसमें। इसलिए घड़ी वाला रूम क्या, ये अंदर जा। अच्छा घड़ी घड़ी है यहाँ पे, तो नई पुरानी आज की परसों की। नहीं मैं हिंदी हूँ। क्या कह रहे क्या कह रहे तो विद्या सब विद्या होता तो बापू छोड़। तो यहाँ की ये मान्यता है कि अगर यहाँ पे आप कुछ मन्नत मांगो और वो मन्नत पूरी हो जाए तो लोग घड़ी चढ़ाते हैं। और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत पुरानी पुरानी बहुत एंटीक घड़ियाँ यहाँ पे, ये देखो आप, ये सब बहुत पुरानी घड़ी है, एकदम एंटीक घड़ी है ये सब। और ये हमारे बापू जी थे ना, बापू जी। तो अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं बाकी चीज़ें। तो घड़ी वाला जो मंदिर था हमारा, आपने देखा था वहाँ पे मान्यता जो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया। अभी हम यहाँ के जो रख रखाव करते हैं, जो यहाँ के मेन हेड हैं, उनसे बात करेंगे और वो हमें यहाँ की फुल स्टोरी बताएंगे कि जामवंत जी यहाँ पे रहते थे, क्या था, कैसा सीन था। तो सर से हम मिलते हैं। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये सर, ये सर मेरा नाम बाबू भाई चौहान, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। ओके सर। जामवंती गुफा एक धरोहर की ही देखभाल करना हमारे लिए अहोभाग्य है। यस सर। ये वो जगह है जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण भी आ चुके हैं। जब तक हम जानते हैं और हमारे धार्मिक एविडेंस में जो हमें मिलता है, यस सर, ये उनसे जुड़ी हुई कहानी का एक भाग है। ये जामवान भगवान श्री कृष्ण के साथ और भगवान राम के साथ दोनों के साथ। अच्छा। तो सोचने की बात यह है कि जो अवतार में एक बार ही होता है, इसलिए अवतार में दूसरा नाम और दूसरा जन्म होता है, लेकिन भगवान राम के साथ एक मदद करने वाले एक योद्धा की तरह जी, जिसने साथ दिया सीता मैया को ढूंढने के वास्ते, एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक मदद करने वाले आदमी की तरह रहकर सीता मैया को ढूंढकर जब अयोध्या में वापस आए जी, तब भगवान ने सभी को पूछा, आप सबने मुझे मिलकर मदद किया है तो अब कुछ मांगो। जाम्बुवन ने कहा मुझे आपसे बाहु युद्ध करना है। बाहु युद्ध, हाथ से लड़ाई करना। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान ने कहा तुमने तो मुझे मदद किया जी, और युद्ध आपने कहा तो मैं मांगता हूँ, नहीं देना है तो मना करो। भगवान ने सोचा तो मैंने कहा है तब तुमने मांगा है, यदि अब मैं ना कहूं तो हमारी रघुकुल की परंपरा को ठेस पहुंचेगी, और यदि मैं युद्ध करूं तो एक राजा अपने मदद करने वाले लोग के साथ युद्ध करते हैं तो राजनीति को कलंक लगेगा, मतलब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें तब तक रुकना पड़ेगा मेरे अगले जन्म तक, तेरा वचन इस वक्त ही। तो कृष्णा अवतार में भगवान गोकुल मथुरा छोड़कर जब द्वारिका में आते हैं, घटना ऐसी है स्मयंतक मणि की, एक घटना फीडबैक में हम देखते हैं स्मयंतक मणि। सत्राजीत यादव और प्रसेन यादव नाम के दो राजकुमार भगवान सूर्यनारायण की उपासना तपस्या करके वरदान में एक मणि प्राप्त करता है। ये मणि की विशेषता यह है, सूर्यनारायण की किरण जब उस पर लगे तो 10 पहार सोना अलग बन जाता है। पहार का मतलब आज हम टन के हिसाब से माप लगा रहे। इस वक्त कृष्ण भगवान पर एक आरोप नमाया, सोने की द्वारिका कैसे हो गई,
ये मनी चुरा लिया है, तो कृष्ण भगवान को ये मनी ढूंढने के वास्ते यहाँ पर आना पड़ा। मनी जामवंत के पास आया, भगवान ने मनी देखकर कहा कि तुम मुझे दे दो, तो उसने मना कर दिया जामवंत जी ने। स्मरण तक मनी जब नहीं दिया तो भगवान राम कृष्ण अवतार में, कृष्ण अवतार हुआ था ना, तो कृष्ण और जामवंत दोनों की लड़ाई शुरू हुई। एक दिन दो दिन करते 28 दिन तक, 28 दिवस शाम को जामवंत खुद कहता कि आप कौन है, तो भगवान ने सभी सोच लिया और कृष्णावतार में होते हुए भी राम का दर्शन देकर कहते हैं याद आया, तूने जब मांगा था वो युद्ध अब खत्म हो गया, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब वो मनी मुझे दे दे। भगवान मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक लड़की है, मेरी लड़की को आप ब्याह रचाओ तो मैं लड़की का बाप ये मनी कन्यादान में दूंगा। दिस सेंटेंस इज अवेलेबल एंड गुफा पिक्चर। यस सर, यू लुक। यस सर, तो ये ओरल टॉक नहीं है, विथ एविडेंस आप देखते हैं कृष्ण भगवान है, जामवंत है, उसकी लड़की है, हाथ में मनी है, और वो नीचे लिखा है श्रीमद् भागवत ने कि जामवंत अपनी लड़की को ब्याह वक्त ये मनी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है जी। तो ये वो धरोहर है, वो जगह है कि जहाँ खुद भगवान कृष्ण आए थे। आप गुफा के अंदर रेत को देखो तो उसकी चमक में आपको स्मयं तक मनी का दिखावा नजर आएगा। ये वो धरोहर है कि जहाँ खुद भगवान आए हैं, युद्ध हुआ है, और ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसे, तो ये ससुराल है भी है। हाँ, तो ये वो जगह है जहाँ हम सब मिलकर अपनी धन्यता को याद करते हैं। तो आप एक तरफ आग्रह करना चाहोगे किसी से कि यहाँ पे आकर दर्शन करने करे और लोगों को और प्रचार प्रसार हो इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को, जो लोग ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, सभी को मेरी विनती है कि हम जिस संस्कृति का एक रखोला कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कहाँ तक भगवान है, जहाँ तक भगवान खुद अपनी धरती पर आकर अपनी पूरी जिम्मेदारी लोगों के सामने रख कर गए, हम उस तरह को बंधन करके सभी को, आप सबको निमंत्रित करते हैं। आप कृपया जब भी वक्त निकले तो गुजरात में और इस सौराष्ट्र में पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के राणावल के नाम पर जो गांव है उसके नज़दीक 3 किलोमीटर में जामवती गुफा के नाम से हमारे सब के नाम पर हमेशा होट पर रहेगी, ऐसी ये धरोहर को हम आपको निमंत्रित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे सर ने बहुत अच्छे से आपको आमंत्रित किया। मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, पोरबंदर। पोरबंदर में जब आप एंटर आओगे गांधी जी का ये सब घूमने के बाद, जब आप आगे की तरफ आओगे तो ये एक जगह है जिसका नाम है राणावत। राणावत में आने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे आओगे राणावत में, वहाँ पे आप किसी से भी पूछ लोगे कि आपको गुफा में जाना है, जो जामवंत गुफा है, कोई भी आपको यहाँ पे लाकर छोड़ देगा। बहुत अच्छी जगह है, आपने वीडियो में देखा। बाकी अब मैं थोड़ा सर से बात करता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब मैं और अनवर भाई यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लगा देखकर यहाँ पे। और बाबू भाई चौहान जो हमारे यहाँ के ट्रस्टी थे, उनसे भी आपने देखा, काफ़ी मज़ा आया। और अनवर भाई अब मुझे छोड़ेंगे स्टेशन, और नहीं छोड़ेंगे तो मैं इनकी ऑटो लेके भाग जाऊँगा। तो अनवर भाई थे भैया, मिलते रहेंगे। तो अब और आप लोगों के लिए बात थी, बहुत अच्छी जगह है, कभी भी अगर गुजरात आओ तो घूमने ज़रूर आओ। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ लोगों को कि अंकित भी मेहनत कर रहा है। बताओ ऐसी जगह कभी देख पाते, जामवंत की गुफा कभी देख पाते? देखो कितनी अच्छी जगह है। और ये जो फैक्ट्री देख रहे हो, ये फैक्ट्री जूही चावला की है। चलो मिलता हूँ जूनागढ़ में।